मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आज के इवनिंग सेशन में। आज का हमारा इवनिंग सेशन कई टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, जिसमें पहला टॉपिक लॉकडाउन को लेकर है, जिस पर एक बड़ा डिसीजन आज आ सकता है। अगले टॉपिक में बात करेंगे इंडिगो एयरलाइन के बारे में, रेलवे के बारे में और वंदे भारत मिशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इवनिंग सेशन। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो से ये खबर निकल कर आ रही है कि वह ऑस्ट्रेलिया की डूबती हुई एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक को खरीदने की बातचीत कर रहा है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया में उसने एक कंसल्टेंसी फर्म को भी हायर कर लिया है कि वह वर्जिन अटलांटिक में अपनी बोली लगा सके। फ्रेंड्स, ये खबर ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज आर्टिकल में जारी की गई है। अभी तक इंडिगो से इसके बारे में कंफर्म सूचना नहीं मिल पाई है। अगली खबर है कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। ये मीटिंग लगभग 6 घंटे तक चली थी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आया है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 8 बजे आकर देश को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वे आगे की प्लानिंग, यातायात या फिर फ्लाइटों को लेकर देशवासियों को संबोधित करेंगे। अगली खबर लेते हैं भारतीय रेलवे से। भारतीय रेलवे अब तक अपनी कई स्पेशल ट्रेनों को चला चुका है। आज सुबह 9 बजे तक भारतीय रेलवे 542 स्पेशल श्रमिक ट्रेनों को चला चुका है, जिसमें तकरीबन 6,48,000 लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है। इसमें सबसे ज्यादा 221 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए चली हैं, उसके बाद बिहार के लिए 117 ट्रेनें चली हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश के लिए 38, उड़ीसा के लिए 29, झारखंड के लिए 27 और ऐसे ही बाकी अन्य राज्यों के लिए भी ट्रेनें चलाई गई हैं। अगली खबर लेते हैं वंदे भारत मिशन को लेकर। वंदे भारत मिशन जो कि 7 मई से शुरू हुआ था और आज 12 मई तक वंदे भारत मिशन की 31 फ्लाइटें देश में आ चुकी हैं, जिसमें कुल 6,037 भारतीयों को विदेशों से लाया गया है। इस मिशन में कुल 64 फ्लाइटें ऑपरेट होनी हैं, जिसमें तकरीबन 14,800 भारतीयों को देश में लाया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही वंदे भारत मिशन वीक 1 खत्म होगा, वैसे ही वंदे भारत मिशन वीक 2 भी 16 मई से शुरू हो जाएगा और उसमें 106 फ्लाइटें ऑपरेट की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इवनिंग सेशन में एयरलाइंस की कुछ शाम की खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप ऐसे ही डेली एयरलाइंस की इवनिंग न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप कोई भी जरूरी वीडियो मिस ना कर पाएं।